ये उम्मीदों की यात्रा है, ये दुआओं की यात्रा है, घर से बेघर हुए लाखों बच्चों की यात्रा है, ये उस आशा की यात्रा है जहां फिर से जिंदगी के बेरंग हुए रंगों को भरने की उम्मीद जागी है। ये यूक्रेन की त्रासदी की यात्रा है, ये उजड़े बचपन की यात्रा है, क्योंकि यूक्रेन के बच्चों का बचपन शरणार्थी तंबुओं की छत के नीचे गुजर रहा है। यूक्रेन के लिए समस्या शरणार्थी संकट है, ना जाने कितने बच्चों का बचपन बिखर गया, लेकिन अब एक 3.5 मीटर लंबी कठपुतली दुनिया को इसी संकट के बारे में बता रही है। पूरे यूरोप में 8000 किलोमीटर का फासला तय करने वाली ये कठपुतली लिटिल अमाल लंदन के यूक्रेनी दूतावास पहुंची है, जो युद्ध से प्रभावित लोगों को याद दिलाने के लिए फूल भेंट कर रही है कि वो अकेले नहीं है। लिटिल अमाल क्या कर सकती है, वो लोगों को याद दिला रही है कि वो अकेले नहीं है। उन लोगों से मिलकर मजबूत रिश्ते बनाती है, लोगों को एक साथ लाती है, उन लोगों को बताती है कि दुनिया को ऐसी लोगों की जरूरत है जो मिलजुल कर रहें। कठपुतली को शरणार्थी लड़की के तौर पर पेश किया गया है। अरबी भाषा में अमाल का मतलब उम्मीद होता है। अमाल नाम की ये कठपुतली शरणार्थियों की कहानी बयां कर रही है, खास तौर पर उन बच्चों का दर्द जिन्हें अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी है, जिन्हें अपनी सुरक्षा के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ा है और जिनकी मूलभूत जरूरतें भी मुश्किल से पूरी हो पाती हैं। नन्ही अमाल लोगों का अभिवादन भी कर रही है, जिसे देखने के लिए शहर के बड़े और बच्चे सभी इकट्ठा हो रहे हैं। अमाल हर जगह इसी तरह से चलकर जा रही है। अमाल जहां जाती है इसे देखकर लोगों के चेहरे खिल जाते हैं, लेकिन अमाल की यात्रा की वजह जानकर दुनिया की आंखें नम हो जाती हैं। अमाल की कोशिश है कि ये मुश्किल वक्त जल्द से जल्द खत्म हो जाए और यूक्रेन में फिर से अमन और शांति कायम हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम थंडर।